जाओ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रिक एसिड, सबसे पहली चीज नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 15। 15 में ये कितना होगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसका मतलब यानी को सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन करेगा बेटा। तो ये कैसा एजेंट है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों होता है पता चल गया? ठीक है, तो मैं यहां तक इवन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरे वाले का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कोवेलेंसी प्लस 4 करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में? इसके डायग्राम में देखोगे तो कोवेलेंस इसकी चार। अब यहां पर तुम देखोगे प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा? जो दूसरे मेटल होंगे, मेटल उनको क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मेटल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो मेटल लूज करेंगे तो वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ में? नाइट्रिक एसिड के साथ में। सिर्फ कौन से मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे सर? जो उनकी रिएक्टिविटी कम है। किनकी रिएक्टिविटी कम है सर? नोबल मेटल्स की। नोबल मेटल में कौन आते हैं? प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, यहां पर देखोगे आपकी नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूँ? नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड जो क्या करेगा? मेटल के साथ में, ज्यादातर मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा। सिर्फ कौन से मेटल के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा? गोल्ड एंड प्लेटिनम के साथ में। ठीक है बेटा, अब साथ में आप एक और चीज देखोगे, यहां पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड कैसा है बेटा? एसिड पानी में जाने पर क्या रिलीज करते हैं बेटा? एचआईएन रिलीज करेंगे। यहां पर देखोगे जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, ये क्या करेगा बेटा? क्या बना लेगा? H3 पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, और दूसरा क्या बच जाएगा? नेगेटिव। ये दोनों किस स्टेट में होंगे? एक्वस स्टेट में होंगे। यानी पानी में डिसॉल्व करेंगे एसिड को, क्या देगा? एच प्लस और नाइट्रेट। क्लियर बेटा? ठीक है, अब यहां पर देखोगे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है उसके साथ में डिपेंड करेगा सर, कुछ बातों पे डिपेंड करता है, क्या? हमारा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। याद रखना नाइट्रिक एसिड के साथ में कौन रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो तीन बातों पे डिपेंड करेगा। कितनी बातों पे डिपेंड करेगा? तीन बातों पे। सबसे पहली चीज, जो हमारा नाइट्रिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है? कंसंट्रेशन में दो वर्ड आपको काफी ज्यादा सुनने को मिलते हैं, एक होता है डाइल्यूट, दूसरा होता है कंसंट्रेटेड। यस, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में डिफरेंस पता है? ऐसा तो कोई नहीं है जिसको डाइल्यूट और कंसंट्रेशन में डिफरेंस ना पता हो। नहीं पता है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर नहीं पता पूछ लेना। ठीक है, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है एसिड ज्यादा पानी कम, डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा एसिड कम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा डिपेंड करेगा बेटा टेम्परेचर पर, और तीसरा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल जो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन शो करेगा। ठीक है, कौन सा मटेरियल के ऊपर हम नाइट्रिक एसिड को डाल रहे हैं। तो जो थर्ड बात है, 98% नाइट्रिक एसिड आता है वो कंसंट्रेटेड था, कंसंट्रेटेड था, पर जब हम लैब में लेते हैं तो लैब में कंसंट्रेटेड का यूज नहीं करते, डाइल्यूट करते हैं। ठीक है बेटा, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेचर ऑफ मेटीरियल। अब ये जो मेटीरियल है ये खुद का क्या करेगा बेटा, ये तो अपना तो रिडक्शन कितना वाला है, तो मेटीरियल क्या होगा यहाँ पर लिख लेंगे नेचर ऑफ मेटीरियल अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो इन तीन बातों पे डिपेंड करेगा, इन तीन बातों पे आगे की दो रिएक्शन है जो सिमिलरली डिपेंड करती है। बेटा दिख रहा है हर्ष? सही हो गई? ठीक है आ जाओ। तो नेक्स्ट क्या है, हम ले लेते हैं कॉपर मेटल। कॉपर मेटल को ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, सॉरी नाइट्रिक एसिड में, तो देखेंगे क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो मेरे पहला पॉइंट क्या लिखा है, अगर नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन डिफरेंट लेंगे तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट होगा, यही बात मैंने यहाँ पे लिखाई है। तो देखो रिएक्शन क्या लगी, इस वाले पार्ट बता दो क्या बेटा, प्रोडक्ट तो सेम है अमाउंट डिफरेंट है। नहीं बेटा देखते हैं, देखिए आ जाओ। और ये रिएक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इससे रिलेटेड। और कैसे पूछेंगे, तुमको रिएक्टेंट दे देंगे, बोलेंगे प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो बताए। ठीक है, काफी बार ये रिएक्शन पूछी गई है बोर्ड्स में, तो इसलिए हमारे यहाँ पर रखा है कॉपर, ये हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यहाँ पे ले लेंगे बेटा डाइल्यूट फॉर्म में, किस फॉर्म में ले लेंगे, डाइल्यूट फॉर्म में। जैसे आप देखोगे यहाँ पर डाइल्यूट फॉर्म लिखी हुई है। अब यहाँ पर डाइल्यूट लेंगे तो पहली बात तो सर ये क्या है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग, खुद का क्या करेगा, यानी ये अपने आप को चेंज करेगा, कम करेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। तो इसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, कॉपर प्लस में जाता है, कॉपर टू प्लस में जाता है। जो कॉपर टू प्लस में जाएगा ये बन जाएगा बेटा CuNO3 5, कॉपर टू प्लस में आ गया। फिर दूसरा नाइट्रोजन का भी तो चेंज होना है, कम होना है। जब नाइट्रोजन डाइल्यूट फॉर्म में होगा तो बेटा यहाँ पर बनाएगा NO, तो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में वाटर जो बैलेंस करेगा इनको, इसको बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना आएगा बेटा 3, 8, 3, 8 और 4। ठीक है बेटा, कितना होगा बेटा 4 से 6। हो गया बेटा। अब यहाँ पर देखो डाइल्यूट फॉर्म में बना, अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, यहाँ पे डाइल्यूट की जगह पे कंसंट्रेटेड देता हूं, तो प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आ जाएगा, बस आपको क्या याद रखना बेटा कि एन किसने बदलेगा। अगर आपको ये पता है कि ये कंसंट्रेटेड में किसने बदलेगा, यहाँ पर बदलेगा डाइल्यूट में एनओ में, और कंसंट्रेटेड में बदलेगा एनओ टू में, किसे बदलेगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। अब यहां पर तुम देखोगे NO2 + H2, याद रखना कंसंट्रेटेड में हो जाके NO2 ही बनाएगा, क्या बनाएगा NO2 ही बनाएगा। ठीक है, अब यहां पर तुम देख लो थोड़ा बहुत तो ठीक है, याद करने का तरीका तो बहुत अच्छा, ये अपना इंक्रीज करेगा ये डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेटेड में NO2 बैलेंस करने के लिए बोतल लगा देना। क्लियर, याद हो जाएगा, इसको बैलेंस करेंगे तो इसका टू आ जाएगा, बाकी को बैलेंस करो कितना आएगा 4। मेरे ख्याल से हो गया बैलेंस, यहाँ पर टू आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा। पहला पॉइंट कंसंट्रेशन मैटर करती है, अगर हम डाइल्यूट लेंगे या फिर कंसंट्रेटेड ले रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, सेम ही रिएक्टेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बदल गया। आगे बात समझ में, ऐसा ही सिमिलरली उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने मटेरियल चेंज कर दिया, मटेरियल ले लिया जिंक। अब जिंक में क्या बनेगा बेटा, ठीक है जिंक का देख लेते हैं। अब जिंक का बता मुझे, यहां पर ले लेते हैं जिंक डाइल्यूट फॉर्म में,
जबकि नाइट्रिक एसिड है प्रोडक्ट क्या बनेंगे तब ये तो घटाएगा ये बढ़ाएगा जिंक जाता है Zn2+ में Zn2+ का नाइट्रेट बनाने का काम हो गया बस इसमें याद रखना यहां पे डाइल्यूट है जिंक की फॉर्म में ये बनाएगा NO2O बस और बैलेंस के लिए हाइड्रोजन है तो वाटर ऐड कर देंगे अब यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे बैलेंस क्या आगे लगा देंगे सर जिंक क्या फोर आ जाएगा इसके आगे टेन आ जाएगा फोर टेन फोर फाइव और यहाँ पर कितना जाएगा बेटा सिमिलर रहेगा ठीक है यहाँ पर फाइव आएगा बेटा ठीक है क्लियर ये बात समझ में आई पूरी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं बस ये याद रखना कि एक किसने बदल रहा है ऑटोमेटिकली बाकी रिएक्शन तुम खुद ही बना लोगे बैलेंस कर लोगे सेकंड चीज अब मैं कंसंट्रेट कंसंट्रेट में क्या होगा बनेगा क्या NO2 बनेगा इसके केस में नाइट्रिक एसिड के केस में मेटल वही रहेंगे बाकी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी ठीक रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ में ये क्या है बेटा कंसंट्रेटेड रिएक्ट कराएंगे क्या बनेगा जिंक का इंक्रीज हो जाएगा बाद में NO2 और बैलेंस करने के लिए वाटर यही होगा इसको बैलेंस कर देंगे क्या आ जाएगा इसका देखो इसके आगे क्या है नाइट्रिक एसिड के अंदर फोर यहाँ पर ये होगा बेटा मेरे ख्याल से सबको समझ आया ठीक है अब एक बात बताओ आप सबने स्टोरी सुनी होगी या छोटी क्लास में केमिकल पढ़ा होगा एक्वारिजियम ठीक है एक्वारिजियम में क्या होता है क्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है तो वो चीज भी याद रखना दूसरी चीज कुछ मेटल होते हैं सर जो रिएक्शन कम करते हैं तो कौन से मेटल क्रोमियम और एल्यूमिनियम तो क्रोमियम और एल्यूमिनियम ऐसा क्या होता है क्रोमियम और एल्यूमिनियम में सर होती है एक लेयर बन जाते हैं पैसिव लेयर जो उनको प्रोटेक्ट करती है आप सबको रिएक्टिविटी सीरीज पता है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर देखो कि हमारा एल्यूमिनियम है हम बोल सकते हैं एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल तो इसका मतलब उसको नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए बट सर वो रिएक्शन नहीं करता फर्दर नहीं करता स्टार्टिंग में करता था फर्दर नहीं करता ऐसा क्यों नहीं करता बिल्कुल सही सर वो जो लेयर है ऑक्साइड की लेयर सर वो होती है केमिकल रेसिस्टेंट वो केमिकल जाने नहीं देगी जो बाहर नाइट्रिक एसिड है वो लेयर को पास ही नहीं कर पाएंगे जो पास ही नहीं करते तो अंदर रिएक्शन होगा क्या तो हम ये बोल सकते हैं सब मेटल डू नॉट डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड एग्जांपल क्रोमियम और एल्यूमिनियम उसके बाद वाला पॉइंट है बेटा यही लिखा हुआ है क्यों डिसॉल्व करते हैं क्योंकि वो पैसिव लेयर बना देते हैं क्या बना देते हैं बेटा पैसिव लेयर ये पैसिव लेयर क्या करती है प्रोटेक्ट करती है फर्दर रिएक्शन को प्रिवेंट कर देती है फर्दर रिएक्शन को मेरे ख्याल से सभी को ये बात समझ में आ गई अब एक बात बताओ हाँ सर यहाँ पे पॉइंट पढ़ा था हमने क्या था पॉइंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग अब काफी सारे जो नॉन मेटल उनको भी क्या कर देगा ऑक्सीडाइज कर देगा एग्जांपल के तौर पर सर आयोडीन और सल्फर ठीक है आयोडीन और सल्फर सर खुद का तो कम करेगा खुद का कम करेगा एक बात याद रखना मेरे को एक बात बताओ अभी मैंने क्या बताया एसिडिक मीडियम में याद रखना कौन से मीडियम में ये एसिड है ना एसिडिक मीडियम में HNO3 किसमें गर्म हो जाएगा NO2 में ठीक है खुद को डिक्रीज करेगा तो दूसरे का इंक्रीज ठीक है इसको मिटा दो बार पहले तो बताओ फोटो ले लो उसकी
ठीक है। अब याद करोगे सबने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो बेटा, अब क्या करें, सम नॉन मेटल्स metals react with nitric acid, example लेते हैं iodine, यहाँ पर HNO3 जो कि किस form में है, concentrated form में है, तो एक product तो हमको direct सीधा सीधा पता चल गया कि अपने आप को decrease करेगा, तो ये बना दे किसमें, NO2 में, ठीक है। आयोडीन का क्या होना चाहिए बेटा, इंक्रीज होगा, क्या करेगा, आयोडीन का भी कितना है, जीरो, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, फिर बढ़ के ये बनाएगा किसमें, H5O3, यहां पर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं प्लस 5, बढ़ गई ना, इसने घटा दी इसने बढ़ा दी, बैलेंस करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, H2O, आया समझ में या नहीं आया, ठीक है। अब बैलेंस करना है, सबको ऑक्सीडेशन मेथड पता है, इलेवन का वैसे नहीं पता, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हुआ बैलेंस भी उसी के साथ हो जाता है, जैसे ही ऑक्सीडेशन मेथड में क्या होता है बेटा, यहाँ पर कितना है +5, यहाँ पर कितना है +4, यहाँ पर नाइट्रोजन का एक एटम है, यहाँ पर नाइट्रोजन का एक एटम है, आयोडीन का यहाँ पर एक है, पहले तो इसका भी दो लगा दो, ठीक है, एटम बराबर हो गए, क्या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है, यहाँ पर कितने का चेंज होता बेटा, 5 का, एक एटम में 5 का, दो एटम में टोटल 10, यहाँ पर 1, ठीक है, प्लस माइनस अभी नहीं ले रहे, क्या दोनों बराबर है, इसका भी 10 कर देंगे, इसका भी 10 आ जाएगा, इसके आगे भी 10 आ जाएगा, इसके कितना करेंगे सर, इसका तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आप चेक करोगे बैलेंसिंग में, क्या बुक में यही लिखा हुआ है, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन कितना है, तो इसके आगे 5 आ जाएगा, तो ये लिखा हुआ है बैलेंसिंग में, सुन सुन सुन, यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो बुक में यही लिखी हुई है बैलेंसिंग, तो हमको पूरा देख के याद करने की जरूरत है क्या, हमको बस ये पता होना चाहिए सर ये नाइट्रोजन किसमें बदलेगा और आयोडीन किसमें बदलेगा, तो विद इन 30 सेकंड हम इस रिएक्शन को लिख भी देंगे और बैलेंस भी कर लेंगे, क्लियर, आगे बात समझ में, चलो देखो, तो फिर एक चीज और, एक और रिएक्शन देखो, सिमिलर, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि सारी रिएक्शन हमको याद, मतलब रटनी ही है, समझ लेंगे, क्योंकि सारी रिएक्शन समझ लेंगे, ज्यादातर रिएक्शन समझ लेंगे तो हमको याद करने वाली रिएक्शन कब हो जाएगी, ठीक है, इस रिएक्शन को बनाना सीख लो, ऑटोमेटिकली पेपर में भी बना ही लोगे। तुम्हारे पास S8 आ गया, क्या डाला सर, HNO3, वो भी कंसेंट्रेटेड फॉर्म में, सर एक प्रोडक्ट तो हमको डायरेक्टली पता है NO2, कौन बदलेगा, नाइट्रोजन, ये तो कम करेगा, कम करके NO2 में आ गया, दूसरा सल्फर, सर सल्फर अपना बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाएगा सल्फर की, यहाँ पर 0 है, और हमको पता है सल्फर बढ़ाकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड में कितना होता है बेटा +6, कितना देगा +6, बैलेंसिंग के लिए वाटर का यूज कर लेते, इसको बैलेंस करो बेटा ऑक्सीडेशन मेथड से, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कितना है ऑक्सीडेशन नंबर 0 +5 6 4, एटम यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 है, पहले तो एटम बराबर कर लिए, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑलमोस्ट बराबर ही है, कितने का चेंज हो रहा है 6 का, कितने एटम है,
टोटल कितने का चेंज होगा 48, जहां पर 1 कितने का चेंज हो रहा है, सबसे की का चेंज हो रहा है 5, ये दो नंबर बराबर है इनटू 48, 48 करेंगे तो रिएक्टेंट क्या आ गई 48, टोटल क्या आ गई 48, बराबर हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली देख लोगे यहां पर हाइड्रोजन कितनी है 16 और इनको काउंट नहीं करेंगे, दो अभी बात में रखेंगे, 16 डिक्रीज कर दो इसमें से कितने बचेंगे 32, 32 का हाफ तो इसका कितना नंबर है 16, मेरे ख्याल से बुक में यही वाली रिएक्शन लिखी हुई है, चेक करो क्या मैं याद करूं ये 48 है ये 6 है 16 है, नहीं मुझे याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा पेपर में, ठीक है बेटा बैलेंस कर लूंगा, चलो एक बार इसको लिख लो। इसके बाद बेटा एक चीज और, इसके बाद पढ़ते हैं बेटा ब्राउन रिंग टेस्ट, बैलेंसिंग बेटा इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है, हाफ रिएक्शन अलग होती है ऑक्सीडेशन अलग होती है, दो मेथड होते हैं, यहाँ पर याद रखना पहली चीज ऑक्सीडेशन नंबर जिनका चेंज हो रहा है उनको लिख लो, एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है कितने का चेंज हो रहा है, और दूसरी चीज एटम देखो क्या एटम बराबर है, यहाँ पर 8 है सल्फर के, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 है, यहाँ पर 1 है, एटम बराबर नहीं है, बराबर करेंगे, यस बराबर करेंगे तो यहाँ पर 8 है तो इसके आगे 8 लगा दो, बराबर हो गया एटम सल्फर और नाइट्रोजन के। दूसरी चीज जब जब बराबर हो गए तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना चेंज हो गया 6 का, तो 8 सल्फर में कितने का चेंज होगा सर, 1 में 6 करो तो 8 में 48 का, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है 5 से 4 में जाना कितने का चेंज हो रहा है 10 का, ठीक है, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 1 का चेंज हो गया, एटम 1 है ना, अब क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए, रेडॉक्स में क्या पढ़ते हैं सर, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं दूसरे को उतने ही गेन करने होते हैं, तो जितना चेंज ऑक्सीडेशन का रिडक्शन में वो उतना ही चेंज ऑक्सीडेशन में होना चाहिए, तो यहाँ पर 48 है यहाँ पर 1 है, बराबर करने के लिए 48 लगाऊंगा, 48 से मल्टीप्लाई करूंगा, 48 मल्टीप्लाई करूंगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के आगे 48 आ गया, क्लियर, 48 आते ही मैंने क्या किया, अब चेक किया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाँ तो बैलेंस है, नहीं ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, पढ़ते थे ना ऑक्सीडेशन मेथड में, किससे बैलेंस करते थे एसिडिक मीडियम में H2O से, तो H2O यहाँ पर चेक करो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितनी है, ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 16, हाइड्रोजन चेक कर लो तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है, एक तरह से क्या हो जाएगा, इस तरीके से तुम जल्दी से जल्दी बैलेंस कर सकते हो, विद इन 30 सेकंड आपकी बैलेंस आ जाएगी, नहीं तो रिएक्शन याद करने जाओगे बेटा इनऑर्गेनिक इतनी जल्दी याद नहीं होते, ठीक है, ज्यादातर रिएक्शन को बनाना सीखो, हाइड्रोजन 48 है यहाँ पर कितने 16 और 32 टोटल 48 आ गए सब में, आगे चले आगे देखा बेटा, हाँ बिल्कुल बेटा पर जिंक में ही याद रखना, अब यहाँ पर देखोगे ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट में जो बातें मैंने यहाँ पे बताई सारी सारी बातें यहाँ पे अप्लाई होंगी सर, क्या पहली बात तो ब्राउन रिंग टेस्ट क्या डिटरमाइन करता है, ब्राउन रिंग टेस्ट सर ये पता करता है कि किसी कंपाउंड के अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, किसके लिए, फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन को डिटरमाइन कर सकते हो, तो नाइट्रेट आयन को डिटरमाइन करेंगे तो बेटा नाइट्रेट आयन का कौन सा आयनिक रिएक्शन लिखेगा, NO3- नाइट्रेट आयन के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट में यूज करते हैं आप क्या, फेरस सल्फेट, ठीक है बेटा, इसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव, बैलेंस करने के लिए कौन सा मीडियम लेंगे बेटा, एसिडिक मीडियम, अब एक बात रखना मेरे को सिर्फ इतना याद रखना है
बाकी का मेरा हो चुका, तो क्या हो चुका, हाइड्रेट है प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये तो सब डिक्रीज करेगा, तो किसी ना किसी को तो इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आयरन तो प्लस थ्री भी बनाता है, तो ये चला जाएगा किसमें, सर एसिडिक मीडियम में तो NO2, सॉरी NO बनेगा, NO कंसंट्रेटेड डाइल्यूट है, तो नाइट्रेट टेस्ट में आता है NO बनेगा, प्लस दूसरा क्या बनेगा सर, आयरन को इंक्रीज करवाना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए, वोटर लगा लेते हैं, ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे सर, इसको भी वैसे ही बैलेंस करेंगे, यहाँ पर कितनी लगेगी प्लस टू, यहाँ पर प्लस थ्री, जैसे बैलेंस करोगे बेटा आपका साफ साफ दिख जाएगा, यहाँ पर कितने का चेंज हो रहा है बेटा, थ्री का चेंज हो रहा है, यहाँ पर वन का हो रहा है, तो इंटू थ्री करेंगे तो यहाँ पर भी थ्री आ जाएगा, उसके आगे भी थ्री आ जाएगा, ये तो मैंने दिखा दिया बेटा, अगर ये नहीं दिया होता तो जैसे मैंने जो ऐसा दे रखा है सिर्फ और सिर्फ Fe2+ दे रखा है, तो हमको रिएक्शन लिखनी भी है, प्रोडक्ट लिखने भी और बैलेंस भी करने हैं, बट एक चीज खास बात बताता हूँ, जनरली जो बोर्ड में होता है वो तुमको रिएक्टेंट पूरा दे देते हैं बैलेंस करवा, तुमको वैसे पता होता है प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, तो एक बार मुझे ये पता चल गया बेटा राइट साइड का ब्लर है, याद नहीं, याद करना है मुझे, देखो बेटा आराम से बैलेंस होगा, ठीक है, तो आराम से देखोगे ये चीजें, क्लियर, याद करने की जरूरत है, अब यहाँ पर ये जो NO बना है इट विल एक्ट एज सर लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और ये बनाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनाएगा, इसके बाद जो NO है तो ये रिएक्ट करेगा फर्दर, तो दूसरी रिएक्शन भी है, जो दूसरी रिएक्शन होगी उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो ब्राउन कलर का बनेगा, अगर वो ब्राउन कलर का प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली रिएक्शन हुई है, NO प्रोड्यूस हुआ है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट में क्या था, नाइट्रेट था, जो गैस निकल रही है NO, NO गैस निकलेगी, उस गैस को पास करवा रहा हूं बेटा किसके अंदर से, इस कंपाउंड के अंदर से, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, नहीं लिखूंगा मैं अभी, यहां पर क्या है, टू है, ये NO बन रहा है, इसे NO को पास करवाते हैं इस कंपाउंड से, जैसे ही मैं पास करवाता हूँ ये एक वाटर मॉलिक्यूल को हटा देगा, यहाँ पर ये कैसे बिहेव करेगा बेटा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, तो ये कैसे कंपाउंड है बेटा, ऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कि लिगेंड आएगा इसके अंदर एक वाटर को हटा दो और कुछ जोड़ दो, H2O5 और NO और साइड में बाय प्रोडक्ट में वोटर, अगर ये बन गया तो सर ये बन जाएगा ब्राउन कंपाउंड, यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, और ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर जैसे ही हमने ऐड किया तो क्या बन जाएगा, ब्राउन कलर की रिंग आ जाएगी, ठीक है बेटा, चार प्लस टू,
हाँ बिल्कुल, तो प्रैक्टिकल में यूज करते हैं किसके लिए, टू डिटरमाइन नाइट्रेट। आगे सब में प्रैक्टिकल जब लैब में जाएंगे तो आपसे ब्राउन रिंग टेस्ट करवाते हैं, क्या करवाते हैं बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट करवाते हैं। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो चुका ब्राउन रिंग टेस्ट आ गया। चलो आगे देखेंगे, प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगी तो क्या पढ़ते हैं बेटा, यूजेस। यूजेस में HNO3 है पहली चीज, लिगेंड बेटा वो होते हैं किराएदार, तो मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, मेटल को क्या करेंगे लोन पेयर देंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहे हैं, एफी प्लस यहाँ पर, एफी प्लस सी तो ना बेटा, नहीं नहीं बेटा ऐसा यूज नहीं बोल सकते, हमको क्या करना डिटरमाइन करना, पहली चीज तो आप ये देखो मोटिव क्या आपका, आपको मोटिव करना है कि समझो तो पता करना है नाइट्रेट है, अब ये इंक्रीज करेगा नाइट्रोजन सॉरी आयरन जो होती है वो वेरिएबल बैलेंस शो करता है प्लस टू और प्लस थ्री दो ही शो करता है, यहाँ पर दो क्या है यहाँ पे जाके किसमें होगा, बस अभी ये याद रखना, बाकी जो तुम डिटेल में पढ़ोगे तो वो बाकी अलग है, ठीक है। यहाँ तो समय क्लियर, ऑब्वियस सी बात है, जब इंडस्ट्रीज हो गई वहां पर मेरे को बनाना है क्या सर, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट चाहिए, नाइट्रेट कहाँ से आएगा, नाइट्रेट एसिड से आएगा, अदर्स नाइट्रेट कंपाउंड जो भी बनाने हैं वहां पर नाइट्रिक एसिड का यूज होता है, ठीक है। वहीं पर काफी सारे जो मेटल्स होते हैं उन सबको क्या करने के लिए रॉकेट फ्यूल में, रॉकेट फ्यूल में किसका यूज होता है बेटा, नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडेशन के लिए, ऑब्वियसली बात ये रिडक्शन करेगा तो दूसरा क्या होगा ऑक्सीडेशन, और उसमें जो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी वो एज अ फ्यूल काम करेगी रॉकेट के लिए। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, ये क्या है बेटा यूजेस इसके इसके, ठीक है, जहां पर नाइट्रोजन कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चे के साथ नाइट्रोजन ग्रुप 15 के बाद कौन सा था उसके पीछे, फास्फोरस, फास्फोरस के कौन कॉमन कंपाउंड हम पढ़ लेंगे, ठीक है। फास्फोरस में देखोगे सबसे पहले बेटा कौन बनेगा, फास्फोरस के एलोट्रोप बात करेंगे, इसकी बात करेंगे एलोट्रोप, इसको इरेज कर दो बेटा, ठीक है। फास्फोरस के तीन एलोट्रोप होते हैं बेटा, व्हाइट येलो एंड रेड, सॉरी व्हाइट ब्लैक एंड रेड, देखिए व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है वो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, वो केमिकल ल्यूमिनस रिएक्शन शो करता है, जब अंधेरे में जाते हैं तो वो ग्रीन कलर की लाइट शो करता है ना बोझ के अंदर, तो वो क्या होती है बेटा व्हाइट फॉस्फोरस को उसके ऊपर कोटिंग कर रखी होती है, तो व्हाइट फॉस्फोरस डार्क में जाने पर ग्लो करेगा, क्या करेगा बेटा ग्लो करेगा, इसकी प्रॉपर्टी भी है एक बार लिख लेते पहले, तो फॉस्फोरस के तीन एलोट्रोप है व्हाइट रेड एंड ब्लैक, एलोट्रोप का मतलब तो ऑलरेडी तुम सबको पता ही है, ठीक है। सबसे पहली बात करेंगे बेटा किसकी, व्हाइट फॉस्फोरस की, तो व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में सबसे पहली चीज सर ये दिखता कैसा है, अभी तो पता है सर व्हाइट कलर का है, ये ट्रांसलूसेंट, क्या है ट्रांसलूसेंट, व्हाइट वैक्स होता है, कैसा होता है बेटा ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्स, किसको ये नहीं पता ट्रांसलूसेंट के बारे में, बिल्कुल तो सर ये क्या होता है ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्स होता है बेटा, ठीक है। क्या होता है बेटा पॉइजनस, दूसरी बात अभी अभी मैंने बताया रात में क्या करता है ये ग्लोइंग,
डार्क ग्लोइंग डार्क वहीं पर बात करेंगे सर व्हाइट फास्फोरस के बारे में एक खास बात याद रखना सर ये वाटर के अंदर इनसोल्युबल रहता है बट कार्बन सल्फाइड के अंदर सोल्युबल रहता है यानी बिल्कुल बेटा इनसोल्युबल इन वाटर एंड सोल्युबल इन CH2 ये क्या है प्रॉपर्टी बेटा व्हाइट फास्फोरस की सभी को समझ में आ गई बेटा चलो आगे देखें CH2 चले आगे अब आगे देखो बेटा अगर हम बात करेंगे कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं नॉन मेटल बेस के साथ में रिएक्शन नहीं करते बट कुछ है कुछ में से व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट करता है क्या करता है रिएक्ट करता है और हमेशा याद रखना जब ये रिएक्शन करेगा तो सर ये रिएक्शन करने पर डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो करेगा कौन सी रिएक्शन शो करेगा बेटा डिस्प्रोपोर्शन में होता क्या है कि सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और सेम ही एलिमेंट का रिडक्शन होगा यानी जहां पे तो प्रोडक्ट बनेगा बिल्कुल बेटा ठीक है तो यहाँ पर देखो रिएक्शन P4 की फॉर्मूला क्या होता है P4 बिल्कुल ये तीन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने जरूरी है इनको तभी जाके वो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो करेगा चेक करते हैं इसके अंदर जब P4 और रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है सर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके क्या बनेगा बैलेंसिंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है P4 यहां पर जीरो पर है खुद का इंक्रीमेंट करना है इसको खुद का ही डिक्रीमेंट करना है जीरो से -3 इसकी लोवेस्ट होती है -3 पर क्या बनता है बेटा फॉस्फीन -3 आ गया अब इंक्रीमेंट करेगा तो बेटा ये बन जाएगा किसमें सोडियम हाइपोफॉस्फेट की फॉर्म में यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर देखो बेटा फॉस्फोरस का जीरो और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये आ जाएगा +1 इसमें डिक्रीज कर गया इसमें इंक्रीज कर गया यानी किस टाइप की रिएक्शन है बेटा डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन यहां पर तो फॉस्फोरस लिया कौन सा लिया बेटा फाइव इसको बैलेंस करेंगे बेटा और याद रखना एक चीज ऑक्सीडेशन मेथड में ना इसका इससे इसको बैलेंस मत करना क्योंकि बैलेंस नहीं होगा ऑक्सीडेशन मेथड की एक्सेप्शन यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में काम करेगा ही नहीं क्या नहीं करेगा काम नहीं करेगा तो यहां पर तुम याद रखना इसको बैलेंस करने का तरीका ठीक है इसे यहां पे सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट तो सोडियम हाइपोफॉस्फेट क्या बोलते हैं इसका नाम बेटा बस इसको थोड़ा सा याद तो सी तो याद रखना हाइड्रोजन माइक्रो आर्टिस्ट को कुछ ना लगे तो याद कर लेना नहीं तो